बॉलीवुड के सितारों के दीवाने तो सभी होते हैं, लेकिन टीवी के कलाकारों की पॉपुलैरिटी भी फिल्मी सितारों से कम नहीं होती। टीवी में बहुत से ऐसे सीरियल आते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी आम दर्शकों में बहुत है और इन सीरियल के सितारों को लोग अपने घर का हिस्सा तक मानने लगते हैं। कुछ दिनों पहले टीवी की दुनिया की क्वीन दिव्यंका त्रिपाठी को मुंबई की सड़क पर बोरी में बंद पाया गया। लोगों को लगा क्या सच में आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं दिव्यंका त्रिपाठी, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही पाई गई। दिव्यंका सड़क पर क्या कर रही थी इसके बारे में अगर आपको पता चले तो आप भी अपना सिर पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि इसकी सच्चाई हैरान करने वाली है और अगर आप इनके फैन हैं तो आपको भी इस सच्चाई को जरूर जानना चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सेलिब्रिटी की कोई भी बात छिप नहीं पाती, खासकर छोटे पर्दे से जुड़ी बातें तो आग की तरह फैल जाती हैं। ऐसा ही हुआ दिव्यंका त्रिपाठी के साथ जब इनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कैप्शन में बताया गया कि क्या आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं दिव्यंका त्रिपाठी। मतलब कुछ भी, वायरल तस्वीरों की भी हद होती है। दिव्यंका त्रिपाठी इस हालत में इसलिए हैं क्योंकि वे स्टार प्लस पर आने वाले अपने पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें की शूटिंग कर रही थीं। इस शो में एक सीन है जिसमें सिमी और प्रेमा ने उन्हें किडनैप करवा लिया होता है और दिव्यंका किसी तरह गुंडों से बचने की कोशिश करती हैं और उनसे भीख मांगती हैं कि गुंडे उन्हें छोड़ दें, लेकिन गुंडे उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे उन्हें लकवा मार जाता है। इस सीरियल का ये एपिसोड दर्शकों के लिए हैरानी से भरा और सेंसिटिव होने वाला है। दिव्यंका इस शो में लीड रोल में हैं और उनके किरदार का नाम इशिता है। दिव्यंका का ये शो कई सालों से स्टार प्लस की शोभा को बढ़ा रहा है और बार्क इंडिया की टॉप 10 की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। शो में दिव्यंका त्रिपाठी को सभी पसंद करते हैं और सेट पर भी ये सबकी चहेती ही है। इनके साथ अभिनय करने वाली अपूर्वा सिंह ने एक इंटरव्यू में दिव्यंका के बारे में बताया, वे बहुत अच्छी हैं। जब मैं पहली बार इनके साथ शूटिंग कर रही थी तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन ये मेरे पास आईं और इन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मुझे रिलैक्स रहने को कहा और फिर मेरे लिए सब करना आसान हो गया। उनका स्वभाव सच में बहुत विनम्र और सीधा है। इन्होंने शो में अपने को-स्टार विवेक दाहिया से साल 2016 में शादी कर ली थी। हालांकि इनसे पहले इनका अफेयर शरद मल्होत्रा से चलता था जिनका जिक्र वे पब्लिकली करती रहती हैं।